यार, पीओके बचाने के लिए अब तुर्की की शरण में पहुंचा है पाकिस्तान। पाकिस्तान तुर्की से मांग रहा है बहुत बड़ी मदद। क्या पीओके में तुर्की करेगा मदद? जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दुनिया में छिपा नहीं है कि जहां एक तरफ रूस यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो वहीं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की लड़ाई के भी पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं। अब यहां पर भारत ने आखिर दक्षिण कोरिया में अपने नौसैनिक जहाज क्यों भेज दिए हैं? जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना ने ये कह दिया कि हम उत्तर कोरिया के साथ खड़े हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आजकल ना धनाधन उत्तर कोरिया मिसाइलों को छोड़ रहा है। पिछले 2 महीने में 50 से ज्यादा मिसाइलें उत्तर कोरिया ने दाग दी है। इनमें से ज्यादातर है कम दूरी वाले। अब उसने जो हरकत की है, वो सीधे सीधे ताकतवर देश अमेरिका को चुनौती देने के लिए काफी है, क्योंकि अब ये मिसाइलें परमाणु हथियार के साथ अमेरिका तक को भेज सकती हैं। ऐसी मिसाइलों का परीक्षण करना शुरू कर दिया है। हालात ऐसे हो गए कि सबसे पहले टेंशन में आ गया जापान। जापान के रक्षा मंत्री यासुकाजु हामदा ने कहा कि उत्तर कोरिया ने जिस मिसाइल को दागा है, वो एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है और इस मिसाइल की रेंज है 15,000 किलोमीटर, जो अमेरिका तक पहुँच सकती है। ये मिसाइल 200 किलोमीटर दूर होकाइडो के उत्तरी प्रशांत में एक द्वीप के पश्चिम में गिरा, जो करीब करीब दक्षिण कोरिया के पास ही पड़ता है। अब लगातार परीक्षण करते करते उत्तर कोरिया एकदम से खतरनाक वाले मोड में जरूर चला गया है। वैसे आपको बता दें, उत्तर कोरिया के तानाशाह पहली बार ऐसा हुआ जब इन्होंने अपने परिवार के साथ बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण देखने के लिए पहुंचे ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहा जाता है कि इनको 2 बेटियां और 1 बेटा है, जिसमें अपनी ये बेटी के साथ पहुंचे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से किम जोंग उन इस मिसाइल परीक्षण को देखने के लिए पहुंचे थे। पूरे जब तक ये मिसाइल परीक्षण हो नहीं गया, पूरे समय इनका परिवार इनके साथ रहा। इनकी पत्नी भी थी और इनकी बेटी भी थी। तब से ये कहा जाने लगा कि आखिरकार ये मिसाइल टेस्ट देखने के लिए बेटी को लेकर पहुंचे, जो छिपा कर अपने परिवार को रखते हैं। इसका 2 मकसद कहा गया हो सकता है। उत्तर कोरिया के तानाशाह की तबीयत कहा जाता है कि ठीक नहीं रहती है, जिसकी वजह से ये चाहते हों कि दुनिया उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनकी बेटी को पहले से देख कर रखे। कहा जाता है कि अगर किम जोंग उन को कुछ होता है, तो उसकी जगह पर उनकी ये बेटी गद्दी संभालेगी, इसलिए इसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है। खैर, मेन मुद्दे की बात यह है कि उत्तर कोरिया ने लगातार मिसाइलों का परीक्षण करना शुरू कर दिया, और इस मिसाइल परीक्षण से ना सबसे ज्यादा खुश हो गया है चीन। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। चीन ने फट से दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। वैसे तो उत्तर कोरिया चाइना और रूस का पाला पोसा बच्चा है, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर चीन सामने आ गया है और ये कह रहा है चीन की आवाज क्या कह रही है, हालांकि उसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। चीन ये कह रहा है कि हमने खत लिखा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खास तौर पर खत लिखा है, और ये खत लिखा है उत्तर कोरिया को। हम कह रहे हैं कि भैया, आप जो ये लॉन्च कर रहे हो, ये लॉन्च मत करो, हम तुम्हारे साथ मिलकर काम करेंगे, दुनिया की शांति, स्थिरता, समृद्धि में मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो कह रहा है जिनपिंग, ठीक इसका उल्टा है। उल्टा ये है कि चाइना और उत्तर कोरिया साथ आ रहे हैं राजनीतिक पटल पर अमेरिका को डराने के लिए। उत्तर कोरिया से अमेरिका खौफ खाता है। खौफ खाने की वजह है, वजह ये है कि यहाँ पर बैठा हुआ शख्स बिल्कुल भी दिमागी तौर पर एक स्टेबल शख्स नहीं माना जाता है। ये सनक के लिए मशहूर है। अब इतनी सारी इसने मिसाइलें बना ली है, जिसमें परमाणु मिसाइलें भी बना ली है, तो कहा जा रहा है कहीं सनक में आकर ये फायर कर दे और इससे दुनिया में एक अव्यवस्था फैल जाए, इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। खैर, ये तो माना ही जा रहा था कि अगर विश्व युद्ध होता है, तो उत्तर कोरिया, चीन और रूस एक साइड में खड़े जरूर मिलेंगे। पर जहाँ तक भारत की बात है, भारत ने भी मिसाइल परीक्षण को लेकर उत्तर कोरिया के खिलाफ यूएनएससी में बोला। भारत ने भी कहा कि ये जो किया है, ये गलत है, शांति के लिए सही नहीं है। पर उत्तर कोरिया और भारत के विशेष कोई पंगे रहे नहीं है। उत्तर कोरिया के खिलाफ एक बयान भारत ने और दिया था, और वो दिया था क्वाड मीटिंग के दौरान, और यहाँ पर उन्होंने कहा था कि इस तरीके के परीक्षण
दुनिया की स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा है। पर अब शायद उत्तर कोरिया को लग सकता है बुरा, क्योंकि भारत और दक्षिण कोरिया के बीच राजनीतिक संबंध रणनीतिक संबंध है। इस वजह से भारत ने अपने नौसैनिक जहाज को भेजा दक्षिण कोरिया। भारत का INS शिवालिक और कामरोटा ये दोनों पहुंचे और इन दोनों ने यहां पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी के साथ पार्टनरशिप की। ये एक विजिट था। इस विजिट के दौरान पार्टनरशिप एक्सरसाइज भी की गई और कई तरह के एक्टिविटी में भी दोनों की नेवी शामिल हुई। समुद्री स्तर पर किस तरीके से दोनों एक दूसरे का स्ट्रेंथ बन सकते हैं, इसको लेकर भी बातचीत हुई। खैर, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ये तो निश्चित है कि POK को लेकर कुछ बड़ा प्लान चल रहा है। हाल के दिनों में आपने हलचल भी देखी, मीडिया रिपोर्ट्स भी देखी और हर रोज कुछ न कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं जो POK को लेकर केंद्रित रह रहे हैं। इस वजह से ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में POK पर एक्शन होगा। CPEC को छोड़कर जिस तरीके से चाइना भाग रहा है, अब तो उल्टा चाइना की कंपनियों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि आप हमारे बकाया दे दो, आप हमें हर्जाना दे दो। जहां बात हो रही थी कर्ज देने की, और हाल में तो ये भी खबर आई थी कि शहबाज शरीफ जब जिनपिंग से मिलने गए थे तब ये वादा हुआ था और ये कसमे वादे खाए गए थे कि हम CPEC में और भी पैसा लगाएंगे और इस परियोजना को बहुत तेजी से निकालेंगे। कहते हैं ना कि दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग। ये चीज चाइना के लिए तो एकदम से प्रसिद्ध है। CPEC परियोजना से दिख रहा है कि चीन भाग रहा है। एक तरीके से ये माना जा रहा है कि भारत को कूटनीतिक जीत मिल रही है। POK को लेकर भारत एक्शन करने वाला है, ये भारत ने कई महीनों से बोलना शुरू कर दी और इसका असर देखने को मिल रहा है चाइना के ऊपर भी कि चाइना अब CPEC पे और ज्यादा पैसे लगाने के पक्ष में नहीं है। और सबसे ज्यादा हड़बड़ाहट देखी जा रही है पाकिस्तानी सेना में। पाकिस्तानी सेना को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बचे तो बचे कैसे। पाकिस्तान ने सबसे पहले सऊदी अरब से कहा था कि आप CPEC में पैसे लगा दो। मेन मुद्दा था POK में सऊदी अरब को लाना, लेकिन भारत ने यहाँ टांग अड़ा दिया और भारत ने ये कहा सऊदी अरब से जो भी बातचीत हुई उसके बाद ये निर्णय आया कि सऊदी अरब यहाँ पर पैसे नहीं लगा रहा है। उसके अलावे सऊदी अरब भारत में पैसे लगा रहा है। फिर रूस को भी टारगेट किया गया कि CPEC में आप पैसे लगा दो। अब सोचा कि रूस की एंट्री हो जाएगी तो POK में भारत एक्शन नहीं लेगा। अब पाकिस्तानी मीडिया की माने तो कहा जा रहा है कि CPEC में शामिल करने के लिए अब पाकिस्तान ने तुर्की को कहा है। तुर्की जो कि हमेशा से कश्मीर मसले में टांग अड़ाता रहा है, उसे कहा गया है कि आप इसमें शामिल हो जाइए, हम चीन के साथ भी बातचीत करेंगे। वैसे 2020 से कई बार ये कोशिश कर चुका है तुर्की कि भारत के मामले में दखल दे। अब ऐसे में चूंकि अभी आर्थिक अवस्था तुर्की की खुद ही गिरी हुई है तो कम ही उम्मीद है कि CPEC में वो एंट्री लेगा। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।